आइडेंटिफाई द लेंस, तो लेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये माइनस लेंस है, प्लस लेंस है, स्फेरिकल है या एस्टिगमेटिज्म? इसको खोलो, तो अब इसको आप सब कैसे, बस उसको बंद करो, उसको बंद करो, अब आपको कैसे पता चलेगा ये करना? और आइडेंटिफाई, पहले मुझे आइडेंटिफाई करने की वो बताओ कि दो तीन चीज़ें हैं जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कन्केव या कन्वेक्स? माइनस तो आपका ये तो हमने वैसे रखा होता है, इसके ऊपर हम कवर कर देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है कि इसके ऊपर माइनस रेड हमेशा नहीं होता, हमारे पास दूसरे भी हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं और कलर के होते हैं, कलर से आपने कंफ्यूज नहीं करना, इसके हमेशा प्रॉपर्टीज आपको आएंगी तो आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सर ये माइनस से भी पता चलता है, ये कनकेव है, ये कनकेव है, इधर से आपको पता चलता है। अभी देखिए आपको कैसे मिलता है, अभी तो आपको टैग से चल रहा है, यस सर, ये अब हम उसके ऊपर स्टिकिंग लगा देते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं ना, ठीक है, बस ठीक है, मेहरबानी, उससे चीज़ बड़ी हो जाती है कन्वे। अब देखें ये चीज़, देखें इसमें, देखें चीज़ आपको छोटी नजर आएगी, जब भी कनकेव लेंस हो चीज़ को छोटी करेगा, यस, देखें सारे, देखें पहले ये प्रॉपर्टी देख लें, जो कन्वेक्स होते हैं वो चीज़ को बड़ी कर देते हैं, आप यहाँ से शुरू करें ना, शेप तो है, शेप से आपको पता नहीं चलेगा, ये देखें ये दोनों की सेम शेप है, ये आप आपके यहाँ की बड़ी करके दिखा सकते हैं ना, इसकी आर्मी बड़ी नजर पास का है, जो जल्दी से देख रहे हैं क्योंकि इसकी और प्रॉपर्टीज मैंने दिखानी है, एक प्रॉपर्टी नहीं है ना, जी सर, ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? थोड़ा भी कन्वेक्स तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया लेंस, इन माइनस लेंस है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी जिसे आपने वो करनी होती है, तो एक मैंने बता दिया कि चीज़ को छोटा कर देता है या मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है, दे दें। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अब मैं देखें इसको, जब आप मूव करेंगे ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसमें विद मूव करेगा, जो प्लस होता है उसमें अपोजिट मूव करेगा, जो चीज़ आप देख रहे हैं अपोजिट मूव, कन्वेक्स में अपोजिट, हाल तो लाइट तो वर्क करता था, कन्वेक्स में अपोजिट, आप इसको ऊपर मूव करें, आप होल्डर को देखें, होल्डर ऊपर मूव करें तो कहाँ जाता है, जैसे आराम से पता चलता है, होल्डर को देखें, वो पीछे आपको होल्डर नजर आ रहा है, अपोजिट मूव करेगा, इसमें